हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको दिखाऊंगी एक स्वीट सा बो कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने चौड़ाई 11 इंच और लंबाई 7 इंच ले ली है। अब यहाँ पे हमें सीधा स्टिच ले लेना है। यहाँ पर हम स्टिच लेते हुए बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि हम कपड़े को उल्टा पलट सकें और फिनिशिंग बाहर की ओर हो और सिलाई जो होगी वो अंदर साइड चली जाएगी। ये देखिए, हमें इस तरह से पलट लेना है। किसी नुकीली की चीज़ के सहायता से हमें इसके कॉर्नर्स बाहर निकाल देने हैं। अभी यहाँ पे जो ओपन पार्ट है हम उसको स्टिच लगा देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी स्टिच लगा देना है। यहाँ पे अब हम मिडिल पॉइंट लेंगे। और यहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे। धागा थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे ताकि हम खींच के उसको गेदर्स की तरह कर सके। एक धागे को निकाल के हम खींच लेंगे तो यहाँ पे अब इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने एक स्ट्रिप ली है, उसे बो के मिडल पार्ट को हमें कवर कर लेना है इस तरह से। और हमें यहाँ पे इसे फिक्स कर देना है। इस तरह से हमारा बो बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से हम रिबन टाइप कुछ बनाएंगे ताकि वो और भी ज़्यादा स्टाइलिश लुक दे। नीचे की लंबाई मैंने 5 इंच और ऊपर की 3 इंच मैंने ली है। दो फैब्रिक लिए हैं, दोनों को एक के ऊपर एक रख के हमें इस तरह से स्टिच ले लेना है। और अब हमें एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसका कट करके इसे भी हमें उसी तरह से उल्टा पलट लेना है। और इसके कॉर्नर हमें उसी तरह से बाहर निकाल देने हैं। यहाँ पे हमें इसे फिक्स करने के लिए एक स्टिच लगा देनी है। आप चाहे तो उसे बाद में खोल भी सकते हैं। स्टिच लगने के बाद वो क्या है, फिक्स हो जाएगा और इसे उठा उठा नहीं दिखेगा। इस तरह से हमारे दोनों रिबन रेडी है। इसे हमें इस तरह से एक के ऊपर एक रख के बो के बैक साइड में अटैच कर लेना है इस तरह से।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।